51 शक्तिपीठ में से है सुरकंडा देवी मंदिर। इंद्र ने साम्राज्य वापस पाने से लिए यहीं की थी आराधना। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित जौनपुर के सुरकुट पर्वत पर सुरकंडा देवा का मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जो कि नौ देवी के रूपों में से एक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से है। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। केदारखंड व स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्र ने यहां मां की आराधना कर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। यह स्थान समुद्र तल से करीब 3000 मीटर ऊंचाई पर है। इस कारण यहां से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अर्थात चारों धामों की पहाड़ियां नजर आती हैं। इसी परिसर में भगवान शिव एवं हनुमान जी को समर्पित मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि व गंगा दशहरे के अवसर पर इस मंदिर में देवी के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर से जुड़ी विशेष बातें यहां गिरा था। देवी सती का सिर पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता दक्षेश्वर द्वारा किए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें सती का सिर स्थान पर गिरा था। इसलिए इस मंदिर को श्री सुरकंडा देवी मंदिर कहा जाता है। सती के शरीर भाग जिस स्थान पर गिरे थे, इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर प्रसाद सुरकंडा देवी मंदिर की एक खास विशेषता यह बताई जाती है कि भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाने वाली रामसली की पत्तियां औषधीय गुणों भी भरपूर होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन पत्तियों से घर में सुख समृद्धि आती है। क्षेत्र में इसे देववृक्ष का दर्जा हासिल है, इसीलिए इस पेड़ की लकड़ी को इमारती या दूसरे व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जाता। गंगा दशहरा व नवरात्र पर मां के दर्शनों का विशेष महत्व सिद्ध पीठ मां सुरकंडा मंदिर पुजारी रमेश प्रसाद लेखवार का कहना है कि वैसे तो हर समय मां के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन गंगा दशहरे व नवरात्र के मौके पर मां के दर्शनों का विशेष महत्व माना गया है। मां के दर्शन मात्र से समस्त कष्टों का निवारण होता है। जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है और दूर दूर से लोग मां के दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं। केदारखंड व स्कंद पुराण में है वर्णन। केदारखंड व स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्र ने यहां मां की आराधना कर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। इस कारण ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता के दर्शन करने यहां आता है, मां उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साल भर खुले रहते हैं कपाट मां के दरबार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौकखंबा, गौरीशंकर, नीलकंठ आदि सहित कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। मां सुरकंडा देवी के कपाट साल भर खुले रहते हैं। वायु मार्ग, यहां से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जॉलीग्रांट है। यहां से बस या टैक्सी मिल जाएगी। रेल मार्ग, यहां से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून है। यहां से आप बस या टैक्सी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग, मां सुरकंडा मंदिर पहुंचने के लिए हर जगह से वाहनों की सुविधा है। देहरादून से वाया मसूरी होते हुए 73 किमी दूरी तय कर कद्दूखाल पहुंचना पड़ता है। यहां से 2 किमी पैदल दूरी तय कर मंदिर पहुंचना पड़ता है। ऋषिकेश से वाया चंबा होते हुए 82 किमी की दूरी तय कर भी यहां पहुंचा जा सकता है। यात्री सुविधा, यहां यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं की सुविधा है।